गोवा के इस बीच के किनारे बहुत कुछ मिलता है, तो क्या क्या मिलता है मैं आपको सब कुछ डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसे वीडियोज देखना चाहते हैं गोवा से रिलेटेड एंड ट्रेवल से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री पार्किंग है, आप अपनी स्कूटी तो अंदर तक ला सकते हैं बीच में, और कुछ लोग तो बीच के अंदर भी स्कूटी लेके घूमते हैं। तो ये है नॉर्थ गोवा का एक ज़बरदस्त बीच जो कि बागाटोर बीच के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बीच पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इस बीच के किनारे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए टूरिस्ट का बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन रहता है इस बीच को विजिट करने का। तो ये आते ही आपको टेंपल छोटी सी दिख जाएगी जो कि आज से नहीं बहुत दिनों से यहाँ पे लोकल लोगों के एक अच्छी जगह है जहाँ पे पूजा करने का। अब बागाटोर बीच पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिख जाएगी आपको यहाँ पे, और बहुत सारे लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इस बीच पर घूमने के लिए क्या क्या है, सेक्स क्या है और क्या क्या मिलता है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको दो ही मेन रेस्टोरेंट मिलेंगे बागाटोर बीच पर, और इसके नीचे इतनी ही सेक्स मिलेंगी। अगर आप वो जो कॉर्नर में रॉक है ना उसके उस साइड जाओगे तो उसके पीछे भी एक जबरदस्त बीच है, सीक्रेट बीच है, रशियन बीच है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन बागाटोर के बीच की अगर बात की जाए तो बागाटोर बीच ये अपनी त्रिशूल, जो लॉर्ड शिवा की एक त्रिशूल है, ये एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन गया है क्योंकि बीच के मध्य में त्रिशूल लगा दी गई है। और जब बारिश का सीज़न होता है तो बिल्कुल मध्य में रहता है, केवल त्रिशूल दिखता है वहाँ से, तो बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य दिखता है। तो एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन ये हो गया है। और जहाँ पे आप सिंगल डबल कपल जो भी आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करके ज़रूर जाते हैं। और ये एक फ़ोटोग्राफी इस तरह की जैसे ये लड़की करा रही है, मैक्सिमम कपल लोग यहाँ पे आके ऐसी फ़ोटोग्राफी करके जाते हैं। लेकिन अभी मैं उस कॉर्नर की तरफ चलूँगा। अब यहाँ पे देखो सरदार जी लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी ट्रिप का, लेकिन मैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। वो जो पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पे है ड्रीम बीच, जहाँ पर जाना सब लोगों का ड्रीम रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखना ड्रीम बीच कैसा है नॉर्थ गोवा का, या फिर ये कहें बागाटोर बीच के पास जो ड्रीम बीच है कैसा है और सब लोगों का ड्रीम क्यों है। इस बीच पर सब कुछ मिलता है, मतलब यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सबसे सस्ता है गोवा में अन्य बीचों के मुकाबले। और इस बीच के पास आपको रुकने की जगह सबसे सस्ती मिलेगी, और इस बीच के पास रुक के आप बागा, कलंगुट, बागाटोर, अंजुना, यहाँ तक कि अरम्बुल बीच भी विजिट कर सकते हैं। मीन्स ये सेंटर पॉइंट है, कहाँ का सेंटर पॉइंट है, सारे बीचों का, नॉर्थ गोवा के सारे बीचों का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज इन गोवा, फेमस प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा फेमस प्लेसेज, थिंग्स टू डू इन नॉर्थ गोवा, थिंग्स टू डू इन गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन गोवा, नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, नॉर्थ गोवा विजिटिंग प्लेसेज, तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं।